गूगल जीमेल के सर्टिफिकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से जीमेल के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि आप किस तरह से ईमेल को सेंड कर सकते हैं और उसके साथ में एक फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्लिक करेंगे कंपोज बटन पर, जो आपको रेड बटन दिख रहा है कंपोज, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू मैसेज टाइप करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखते हैं कैसे ओपन होता है। ये देखिए न्यू मैसेज का बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ। और यहाँ से जो है मैं इसमें मैसेज को टाइप कर देता हूँ, हेलो सी दिस पिक्चर सी दिस पिक। और इस बटन पर क्लिक करके आप जो है इस वाले बटन पर क्लिक करके आप एक अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम का ओपन जो डिवाइस ओपन हो जाएगी और वहां से जो है आप किसी इमेज को किसी भी फाइल को इमेज ही नहीं आप अटैचमेंट के रूप में सेंड कर सकते हैं। ये देखिए ये सिस्टम का विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से इसे ओपन पर क्लिक करते ही ये फाइल जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और एक अटैचमेंट के रूप में इस मैसेज के साथ में ऐड हो जाएगी। और जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे ये मैसेज जो है सेंड हो जाएगा। तो अभी ये फाइल देखिए अपलोड हो रही है और शायद यहाँ अपलोडिंग चल रही है और ये फाइल जो है अपलोड हो चुकी है। इसको जो है सेंड बटन पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो मेल है वो सेंड हो जाएगा जिस भी यूजर का एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप किया होगा। चलिए देखते हैं, इसको सेंड मेल वाले ऑप्शन में जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये मेल सेंड हुआ है या फिर नहीं। ये देखिए जैसे ही मैंने सेंड मेल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे सामने वो मैसेज ओपन हो गए जो मैंने सेंड किए हैं। जैसे कि मैंने इस मैसेज को अभी सेंड किया था जिसे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से इसको आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप किसी भी मैसेज को इम्पोर्टेंट यानी कि स्टार कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो है पहले इनबॉक्स पे जाते हैं। मान लीजिए मुझे इस मैसेज को स्टार करना है तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे होंगे नॉट स्टार लिख करके आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज जो है स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप जो है यहाँ स्टार्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि कौन से मैसेज इसको मैंने स्टार किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है यानी कि इस मैसेज को मैंने स्टार किया हुआ है, ये मैसेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने इनबॉक्स के किसी भी मैसेज को अपने किसी फ्रेंड के पास जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है इस बटन पर क्लिक करेंगे या डायरेक्टली आप इसको यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इस मेल को जो है फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो इसको ओपन करेंगे और तो ये आप देख रहे होंगे मैसेज ओपन हो चुका है ईमेल। अगर मुझे इसको फॉरवर्ड करना है तो इस मोर बटन पर क्लिक करेंगे और यहीं से आपको ऑप्शन शो करेगा सेकंड ऑप्शन फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, न्यू टैब या इसी में ओपन हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ये देखिए इसी के बॉटम साइड में ओपन हो चुका है फॉरवर्डिंग विंडो। यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे और इस मैसेज ईमेल को जो है फॉरवर्ड कर देंगे। सेंड बटन पर क्लिक करते ही ये मैसेज जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा कि किसी ईमेल को फॉरवर्ड कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है इसके लिए आप मोर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है लेबल्स पे जाकर के क्रिएट न्यू लेबल पर क्लिक कर देंगे। ये आपको दिख रहा होगा कैटेगरीज में सेकंड ऑप्शन, और यहाँ पर जो है नेम लिख सकते हैं। इस लेबल का नेम मान लीजिए मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट, और इसको जो है सेव बटन पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये जो लेबल है प्रोजेक्ट ये क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट लेबल ये देखिए प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो इस लेबल के अंदर जो भी ईमेल होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस लेवल में अभी मैंने कोई भी ईमेल ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर कोई भी ईमेल शो नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं अभी है पहले तो इस लेवल में कलर कोड आपको करके दिखाता हूँ कि वो कैसे करते हैं। कलर कोड के लिए आप इस ड्रॉप डाउन वाले एरो पे क्लिक करेंगे और इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इनमें से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने इसको क्लिक कर लिया और इस तरह से आप इसका जो है कलर कोड मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी और ईमेल को इस लेवल में
जो है मूव कर सकते हैं। चलिए वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मुझे एग्जांपल के तौर पे इस ईमेल को और इस ईमेल को प्रोजेक्ट वाले लेवल में ट्रांसफर करना है, मूव करना है। तो इसके लिए जो है ना क्या करेंगे कि आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मूव टू, और यहाँ से आपको जो है फर्स्ट दिख रहा होगा प्रोजेक्ट जो कि मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, और इसमें जो है क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये दोनों, ये जो तीनों ईमेल जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उस प्रोजेक्ट लेवल में मूव हो जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट लेवल को ओपन करके। हाँ ये देखिए ये तीन ईमेल जो मैंने अभी अभी मूव किए हैं इसमें शो हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी ईमेल को मार्क एज अनरीड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इस ईमेल को रीड कर चुका हूँ लेकिन मुझे इसे अनरीड मार्क करना है, तो इसके लिए जो है मोर पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है मार्क एज अनरीड, इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत ही जो है ये ईमेल भी मार्क एज अनरीड यानी कि अनरीड हो जाएगा। चलिए इसको जो है टिक कैंसिल कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है आप अपने फ्रेंड्स के को कॉन्टेक्ट को इसमें ऐड कर सकते हैं ईमेल में। इसके लिए आप फाइंड समवन इस पर क्लिक करेंगे, एंटर नेम ईमेल, तो यहाँ से जो है इस ईमेल को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस ईमेल को सर्च कर रहा हूँ, इस तरह से, और ये जो है ईमेल मिल चुका है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा। मान लीजिए मैं इस तरह से जो है अपने कॉन्टेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है किसी ईमेल टास्क के रूप में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस ईमेल को ऐड करना है टास्क के लिए, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूं और मोर बटन पर क्लिक करेंगे और इसमें थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ऐड टू टास्क, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने से ये जो मेल है ये टास्क में ऐड हो जाएगा। देखिए ओपनिंग टास्क लिख करके आ रहा है, और इस तरह से जो ईमेल के द्वारा टास्क को क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है मेरा। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे टास्क यहाँ से जो है टास्क ये क्रिएट हो चुका है। इसके लिए जो है यहाँ से आप टास्क को चेक कर सकते हैं। चलिए इसको कट कर देते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप के लिए सबसे पहले इस ईमेल को ओपन करेंगे, और देखिए ईमेल ओपन हो रहा है। ये ईमेल ओपन हो चुका है, मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, तो इस मोर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसी में आपको ऑप्शन दिखाई देगा। लास्ट में थोड़ा ऊपर ये ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रांसलेट मैसेजेस, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो है ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। यहाँ से डिटेक्ट लैंग्वेज, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं इसे इंग्लिश सेट कर देता हूँ। इंग्लिश इस तरह से, और मुझे मान लीजिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पर जो है इसको हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, सेकंड लैंग्वेज को हिंदी। अब क्या हुआ कि ये मैसेज जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रांसलेटिंग लिख करके आ रहा है, और ये देखिए ये जो मैसेज है ईमेल था ये हिंदी में ट्रांसफर हो चुका है, हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप ईमेल में जीमेल में अपने सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, और सेटिंग्स ओपन होने के बाद देखिए इसमें जो है आपको ऑप्शन दिखाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको ऑप्शन शो करेगा। ये देखिए लास्ट में एक ऑप्शन शो हो रहा है सिग्नेचर, इसमें जो है इस वाले रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे और ये इसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे जो है आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दे रहा हूँ और इसको जो है इंसर्ट द सिग्नेचर बिफोर, तो यहाँ से जो है इसको आप इस तरह से आपका सिग्नेचर ऐड हो गया। जब भी आप किसी दूसरे मेल को सेंड करेंगे तो ये सिग्नेचर ऑटोमेटिक वहाँ पे लग जाएगा। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं टी क्रॉस, इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो है आप अपने जीमेल में एक न्यू थीम को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए फिर से सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और इस थीम्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके सामने कई सारी थीम्स आ जाएंगी प्री डिफॉल्ट, इनमें से किसी भी एक थीम को ऐड कर सकते हैं हम लोग अपने जीमेल में।
इसे थोड़ा सा न्यू लुक देने के लिए मान लीजिए मैं जो है इसे ऐड कर दे रहा हूँ। इसे सेलेक्ट करते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं तो जो मेरा जीमेल है उसमें न्यू थीम ऐड हो जाएगी। ये करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। कंफर्म, ओके। तो अब आप देख रहे हो कि मैं जिसको मैंने थीम वाले सेक्शन से अप्लाई किया था। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से जो है सर्च बॉक्स यूज करके किसी भी मेल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का इसको जो है सेलेक्ट करके इस पे सर्चिंग सर्च में और फिल्टर कर सकते हैं सर्च ऑल मेल यहाँ पर इसको चेंज करके जो है आप यहाँ से जो है अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इनबॉक्स में चेंज सर्च करना है तो इनबॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार में सर्च करना है तो स्टार को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो है अगर आपको डेट को फिल्टर करना है तो डेट विद इन वन डे जो लिखा हुआ है इसको मैं 1 वीक कर देता हूँ। इससे होगा क्या कि जो इतने भी 1 वीक के लास्ट 1 वीक के जितने भी ईमेल होंगे वही सर्च होंगे। यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए जनवरी 2018 इसको सेलेक्ट कर दिया। तो इससे होगा क्या कि जितने भी जीमेल में ऐसे ईमेल होंगे जो इस डेट से 1 वीक पहले के होंगे से अंदर होंगे वो इसमें ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपने मैंने इस गूगल जीमेल के ट्यूटोरियल वीडियो में आपको लगभग सारे फीचर्स के बारे में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।